है डियर व्यूअर्स, दिस इज गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा प्रीपोजिशन जो कि है अपन, जिसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस आप मेरे साथ में बने रहिएगा। तो अपन का माना पर भी होता है, अपन का माना ऊपर भी होता है, अपन का माना लगभग भी होता है। चलिए मैं आपको एक एक करके इसका यूज सुनाता हूँ। देखिए, एक होता है कि जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और गायब हो, जैसे हमने कहा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे सर के ऊपर पंखा है, तो मैंने कहा कि मेरे सर के ऊपर पंखा है। इंग्लिश का सेंटेंस आपका हो जाएगा कि द फैन इज अपन माई हेड। मैंने क्या कहा? द फैन इज अपन माई हेड। अब इसमें हम अपन क्यों यूज कर रहे हैं? और हम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा। अगर आप कह देंगे कि द फैन इज ऑन माई हेड, तो मतलब हो जाएगा कि आपके सर से वो चिपका हुआ है, भाई वो गलत हो जाएगा, जीरो नंबर आपको मिलने वाले हैं। अपन मतलब उसमें गायब है, टच नहीं है, तो यहां पर आपका हो जाएगा द फैन इज अपन माई हेड हो जाएगा, बीच में गायब मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल आप समझिएगा कि ब्रिज नदी के ऊपर है। आप कहेंगे कि द ब्रिज इज अपन द रिवर। क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि द ब्रिज इज अपन द रिवर, दोस्तों दूसरा इसका यूज हो जाता है जब अपन का माना लगभग के माना में लेते हैं। देखिए, कोई त्योहार आने वाला होता है तो हम कहते हैं कि यह त्योहार आने वाला है, कुछ दिन अभी बाकी है। तो जैसे आपने कहा कि ईद है, दिवाली है, आने वाली है, तो आपने कहा दिवाली आने वाली है, तो आप कहेंगे दिवाली इज ऑलमोस्ट अपन अस। आपने क्या कहा? दिवाली इज ऑलमोस्ट अपन अस। तो यहाँ पे अपन का माना हो रहा है कि बिल्कुल आने वाले करीब ही है। आप ये भी कह सकते हैं कि ईद आने वाली है, तो ईद इज अपन अस। इसका मतलब क्या हो रहा है? अपन का माना होता है लगभग या करीब करीब, तो अभी कुछ दिन बाकी हैं, जो शॉपिंग करना है, जो खरीदारी करना है वो कर लीजिएगा, क्योंकि अब ज्यादा इसमें समय नहीं है। तो अपन का दूसरा यूज आपका था कि आप किसी फेस्टिवल से पहले, किसी इवेंट से पहले आप यहां पर यूज करने वाले हैं, अपन को यूज करने वाले हैं। जैसे कहा कि गर्मी आने वाली है, ठंडी आने वाली है, तो क्या हो जाएगा? द समर इज अपन अस, कि समर आने ही वाला है, गर्मी आने ही वाली है, इस तरह ठंडी आने वाली है, तो आप कह देंगे कि द विंटर इज अपन अस। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये दूसरा यूज अपन का माना जो लगभग है, करीब है, ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपन का माना मोशन के लिए होता है। क्या मतलब? अपन का माना पर तो होने वाला या किसी चीज के ऊपर, जैसे एक बिल्ली है और वो बिल्ली कूद करके टेबल पर जाती है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि बिल्ली एक जगह पर बैठी थी, वो कूद करके टेबल पर गई, तो कूदना बता इसमें मोशन पाया गया, गति पाई गई। हाँ, गति के लिए यूज करेंगे कि आप कहेंगे कि द कैट जंप्ड अपन द टेबल, ये आप कहने वाले, मेन यूज यहां पर आपका है। अच्छा, साथ में एक और बता दूं आपको, यहां पर चाहे तो आप ऑन टू को भी यूज कर सकते हैं कि द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, बिल्कुल यूज करना सही है आपका। तो इस तरह से जब गति किसी चीज में पाई जाएगी तो वहां पर भी आप कहने वाले हैं अपन, आप कहने वाले हैं। जैसे आपने देखा कि शेर है जंगल में और कोई जानवर मान लीजिएगा कि बकरी, तो आपने कहा कि शेर ने बकरी के ऊपर छलांग मारी, तो क्या हो रहा है कि द लायन स्प्रैंग ऑन द गॉट, तो स्प्रिंग का सेकेंड फॉर्म स्प्रैंग हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिटिव ग्रामर हो जाएगा। तो आपने कहा द लायन स्प्रैंग ऑन गॉट, तो जो बकरी पर छलांग मारी, तो वहां पर क्या हो रहा है, अपन में क्या होता है कि मोशन पाया जाता है या फिर झटका पाया जाता है। तो अपन का यूज बिल्कुल यही है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। याद आपको रखना है कि एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत पाया जाना जरूरी है। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज आपके लिए,
इसमें आपको ध्यान ये रखना है, कोई एक काम हो और उसके बाद कोई फौरन दूसरा काम हो, तब वहां पर आप अपन यूज करने वाले हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने कहा कि वो हो इंटरमीडिएट करने के बाद शादी कर ली, यानी कि शी गॉट मैरिड इमीडिएटली अपन कंप्लीटिंग इंटरमीडिएट। तो यहां पे क्या हुआ कि शी गॉट मैरिड, उसने शादी कर ली, अपन कंप्लीटिंग या अपन पासिंग आउट इंटरमीडिएट। तो यहां पर आपने कहा शी गॉट मैरिड, उसने शादी किस चीज के बाद में, अपन पासिंग आउट इंटरमीडिएट, अपन पासिंग आउट ट्वेल्थ, यानी ट्वेल्थ उसने कंप्लीट किया और फिर घर वाले ने उसकी शादी करा दी। तो यहां पर एक काम के बाद अगर फौरन दूसरा काम होगा तो वहां पर आप अपन यूज करने वाले। इसी तरह जैसे आपका रिजल्ट निकला था और रिजल्ट देखने पर क्या हुआ कि आप अपने घर वालों की तरफ या किसी की तरफ दौड़े, तो आपने कहा कि अपन द डिक्लेरेशन ऑफ एग्जाम आई रैन टुवर्ड्स माय मॉम। आपने कहा कि अपन द डिक्लेरेशन ऑफ एग्जाम, कि एग्जाम के डिक्लेयर होने पर, यहां पे आप और नहीं यूज कर सकते हैं, यहां पे आप पर यूज करने वाले हैं, आई रैन टुवर्ड्स माय मॉम, माय मॉम की तरफ दौड़ा, यानी कि उसकी खुशखबरी देने के लिए, मदद उसकी खुशखबरी देने के लिए, मॉम को बताने के लिए। इसी तरह आपने कहा कि रिजल्ट देखने पर मैं बहुत खुश हो गया, अपन सीइंग द रिजल्ट आई बिकेम सो हैप्पी। तो क्या हुआ कि आप कैसे हुआ, रिजल्ट निकला, आप देखिए फौरन आप खुश हो गए। तो इसमें क्या हो रहा है, एक काम के बाद जब फौरन काम होगा तो वहां पर और नहीं बल्कि अपन यूज करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका अपन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल आपका स्पोकन में भी यूज होने वाला है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपका ये हेल्प करने वाला है। अपन का पांचवा यूज है कि कोई काम या कोई चीज होती है आप वो करते हैं और आगे जाने के बाद में उसे और ज्यादा करते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा कि किसी ने काम किया, एक साल वो काम किया, अगले साल और उसे ज्यादा काम किया, अगले साल और उसे ज्यादा काम किया, तो आप कहेंगे कि He worked hard year upon year। यहां पे आपने देखा ये कहा गया He worked hard, उसने कठिन परिश्रम किया year upon year, year upon year यानी उसने सालों साल मेहनत किया। इसका मतलब पहले साल उसने मेहनत किया, दूसरे साल और मेहनत किया, तीसरे साल और मेहनत किया। तो जो भी काम इस तरह से मिलने वाला है आप करने वाले हैं, तो इस तरह से जो बात आएगी वहां पर आप और नहीं बल्कि अपन यूज करने वाले हैं। एक एग्जांपल याद रखिएगा, आपका हमेशा के लिए हेल्प करने वाला है। जैसे आपने कहा कि वो मेहनत कर रहा है, ही इज वर्किंग हार्ड, क्या कर रहा है, ही इज वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रहा है ईयर अपन ईयर, पर बहुत आसान है, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं तो I congratulated him upon his success, मैंने उसे congratulation दिया उसके कामयाबी पर, तो यहाँ पे आप अपन यूज करने वाले हैं। तो क्या होता है कि कहीं कहीं पर आप on यूज करें या अपन यूज करें, दोनों से माना में होते हैं। जैसे कि मैं अपने भाई पर डिपेंड, तो क्या हो जाएगा, I depend on my brother। यहां आप ये भी कह सकते हैं आई डिपेंड अपन में बढ़ता, तो आप अपन यूज करेंगे तो और फॉर्मल मान लिया है, बस यही चीज आपका मेन है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब अपन का ग्रामर आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सबसे मेन यूज इसका जो है, आपको फिर मैं रिपीट कर दूं कि जो मोशन वाला होता है, जैसे आपने कहा कि द कैट जंप्ड अपन द टेबल, जो कूद करके दूसरे पर जाती है, द कैट जंप्ड क्या हो जाएगा, मानो कि दीवार कूद करके अगर जा रही है, तो आपने कहा कि द कैट जंप्ड अपन द वॉल। तो इस तरह से इसके यूज अधिकतर यूज होने वाले हैं दोस्तों। अब मुझे उम्मीद है कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ आपका मैं कहूंगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एवरी वन।